देखिए आप लोग को हम पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर का वीडियो भेजे थे, आप लोग पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर को समझ लीजिएगा। देखिए आपको प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन पेपर्स का प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द पाउडर फैक्टर एंड डिटोनेटर फैक्टर अंडर गिवन कंडीशन। यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ कि नंबर ऑफ होल्स 16 है, चार्ज पर होल मतलब एक होल में कितना चार्ज डाल रहा है, कितना एक्सप्लोसिव डाल रहा है 400 ग्राम, पुल 1.2 मीटर, हाइट जो है गैलरी का 3 मीटर है, विड्थ जो है 4.2 मीटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 1.4 है। ठीक है, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के आधार पर आपको पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर निकालना है। कभी कभी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल नहीं दिया रहेगा तो आपको 1.4 1.5 एक मिड पॉइंट है, इसलिए इसको आप एज्यूम कर लीजिएगा। वैसे हर माइन के कोल का अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है, तो ये नहीं दिया है तो इसको आप एज्यूम कर लीजिएगा। कई बार चार्ज पर होल यहां दिया है, कई बार यहां एक राउंड का एक्सप्लोसिव दे देगा कि 5 kg या 6 kg 7 kg अंडरग्राउंड है, ठीक है, इतना ही एक राउंड में ब्लास्ट होता है। ये आपको कंडीशन दिया, इस कंडीशन पे आपको पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर निकालना है। हम इसको सॉल्व करने के पहले बता दें, सॉलिड ब्लास्टिंग में हम को वीडियो भेजे हैं या नहीं भेजे हमको भी याद नहीं है, नहीं भेजे सुन लीजिए। सॉलिड ब्लास्टिंग में पाउडर फैक्टर, यहाँ पर पेंट कीजिएगा, सॉलिड ब्लास्टिंग में पाउडर फैक्टर होता है 1.5 to 2.5 टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, और डिटोनेटर फैक्टर जो होता है वो होता है सॉलिड ब्लास्टिंग में 0.8 to 1.25 टन पर डिटोनेटर, ठीक है, ये नाम सही है, स्टैंडर्ड है। जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो आपका पाउडर फैक्टर जो है इस रेंज में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, डिटोनेटर फैक्टर इस रेंज में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है, मैकेनाइजेशन है, थोड़ा सा ये अपर लिमिट बढ़ सकता है, इसका अपर लिमिट बढ़ सकता है, लेकिन आपका जो आंसर रहना चाहिए वो 1.5 से लेकर के 2.5 3.2 3.3 इसी के बीच में रहेगा। अंडरग्राउंड में सॉलिड ब्लास्टिंग में 5 टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव कभी भी पाउडर फैक्टर नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा 3.75 तक रहेगा पाउडर फैक्टर। डिटोनेटर फैक्टर जो है ये जो रेंज आप लोअर लिमिट देख रहे हैं या हायर लिमिट देख रहे हैं इसके बीच का ही कोई फिगर होगा या इससे थोड़ा सा बढ़ेगा या इससे थोड़ा सा घटेगा, ये नहीं कि एक डिटोनेटर को ब्लास्ट करने से 4 या 6 टन आपको कोयला मिलेगा, ये आपको दिमाग में बैठाना है ताकि, और ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQ के लिए आप लोग जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी काम आएगा, ठीक है। हम इसलिए बता दे रहे हैं इस प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो पाउडर फैक्टर इसका आता है 3.3 और डिटोनेटर फैक्टर आता है 1.3 मतलब 1.25 के आसपास है और इसके भी वो आसपास है 3.3, ठीक है। तो पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर का वीडियो देख लीजिएगा। देखिए पाउडर फैक्टर होता क्या है, पाउडर फैक्टर जो है PF मतलब पाउडर फैक्टर होता क्या है, 1 kg एक्सप्लोसिव को हम ब्लास्ट करते हैं तो जितना कोयला हमको मिलता है उसी को बोलते हैं पाउडर फैक्टर, मतलब इसका फार्मूला क्या हुआ, फिर प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव यूज्ड, हुआ ना। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, PF निकालना है तो आपको प्रोडक्शन निकालना होगा, एक्सप्लोसिव यूज्ड निकालना होगा और दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर खत्म हो गया पाउडर फैक्टर का, इसका बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, हम प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, कोल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, प्रोडक्शन का मतलब कोल प्रोडक्शन, अंडरग्राउंड में तो कोयला ही निकलता है, कोल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे भाई, आप वॉल्यूम निकालते ना, 9th-10th में पढ़ते रहोगे क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हाइट कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा, वो रहेगा क्यूबिक मीटर में, लेकिन कोयला हम कहाँ बोलते हैं टन में, तो
उसी को टन में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो वॉल्यूम है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका कुल प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी इंटू एच इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल, ठीक है। आपका ये जो हाइट ऑफ फेस और विड्थ ऑफ फेस दिया 3 मीटर 4.2 मीटर, इसको ऐसा भी लिखते हैं माइनिंग में, 4.2 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। और ये पुल क्या है, जब कोयला ब्लास्ट किया तो फेस एडवांस हुआ ना, तो वो हो गया लेंथ, ठीक है। तो 1.2 इंटू 4.2 इंटू 3 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 दिया हुआ है, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़िया से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा 21.16 टन, ठीक है। मतलब ये जो गिवन कंडीशन है इसमें हमने कोयला को ब्लास्ट किया तो कोयला आया 21 टन मोटा मोटी। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सप्लोसिव यूज्ड, एक्सप्लोसिव यूज्ड कितना होल है भैया, 16, एक होल में कितना एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं आप, 400, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक राउंड के लिए हम जो एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं वो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 16 × 400 ग्राम, 16×4 = 64, इतना ग्राम्स आ गया, ठीक है। इसको हमको केजी में बदलना होगा, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.4 केजी, कुल प्रोडक्शन निकल गया और एक्सप्लोसिव यूज निकल गया, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, पीएफ, कुल प्रोडक्शन कितना था, 21.16 टन डिवाइडेड बाय 6.4 आपका एक्सप्लोसिव यूज, तो पीएफ कितना आ जाएगा, पीएफ आ जाएगा आपका 3.330 टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव, मतलब 1 केजी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने से हमको 3.3 टन, मतलब 3.25 टन कोयला मिल रहा है, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ, अब क्या देखेंगे, डिटोनेटर फैक्टर, इतना क्लियर है ना जी, ठीक। अब देखेंगे डिटोनेटर फैक्टर का क्या था, उस दिन डेफिनेशन बताए थे वीडियो में, उसको पूरा देखिएगा कि एक डिटोनेटर को ब्लास्ट करने से कितना टन कोयला हमको मिलेगा, दैट इज द डिटोनेटर फैक्टर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर कितना टन कोयला मिला, मतलब प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटोनेटर यूज्ड, बहुत बड़ा दिक्कत है क्या, नहीं है। प्रोडक्शन कितना था, 21.16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटोनेटर कितना है, 16, क्यों 16 ले रहे भाई, 16 होल है, एक होल में एक डिटोनेटर जाएगा तो टोटल कितना डिटोनेटर इस्तेमाल किया, 16, इसको हम डिवाइड करें कितना आ गया डिटोनेटर फैक्टर, 1.3 टन पर डिटोनेटर, ये क्या गया आपका डिटोनेटर फैक्टर, कोई दिक्कत है। और इस टाइप के दो चार प्रॉब्लम को आप लोग और सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, पेन पेपर में जब तक आप करके नहीं देखिएगा, सिर्फ सोचिएगा कि समझ गए हैं तो भूल जाइएगा, ठीक है। इसको पूरा देखिएगा बढ़िया से और इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा।